वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान के प्रमुख पोर्टल। हालांकि आपके मुख्य कुछ ही पोर्टल दे रखे हैं, लेकिन राजस्थान की समसामयिक की नवीनतम योजना, उनके बारे में सब मैं इस यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल और जन सूचना पोर्टल दो आपके खास है। इसके अलावा समसामयिक में रोजगार नीतियां, कोई भी योजना से संबंधित कुछ हम उसमें पूरी चर्चा करेंगे। तो व्याख्या सहित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल रही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और कॉलेज लेक्चरर के जितने भी वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है नानक क्लासेस चैनल पे जाके, और वो प्लेलिस्ट खेल पुरस्कार, योजना, बजट, आर्थिक समीक्षा, सब वीडियो बने हुए, कृषि रिपोर्ट, वो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, राज उद्योग मित्र पोर्टल कब लॉन्च किया गया? राज उद्योग मित्र पोर्टल तो ये लॉन्च किया गया 12 जून 2019 को। सीधी सीधी एग्जाम में तारीख पूछी जाएगी। और ये स्पेशल आपके लिए वीडियो है, 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ था एसीएफ का, लग जो कॉलेज लेक्चरर टेक्निशियल का लगभग क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए गए थे इस वीडियो के द्वारा, वो तो सारे पुट हो गए। तो देखो, एक दो क्वेश्चन तो सबके लिए पवाद रहता है, वो कहीं नहीं मिलता। एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन तो जरूर डालता है। तो देखिए, राज उद्योग मित्र पोर्टल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 12 जून 2019 को लॉन्च किया गया। राज उद्योग मित्र पोर्टल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इस वेब पोर्टल पर सब घोषणा प्रपत्र, समय घोषणा प्रपत्र भरकर ही उद्यमी अपना MSME स्थापित कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उद्यमी राज उद्योग मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्टर करके 3 साल तक का स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। MSME वेब पोर्टल 12 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च किया और ये राजस्थान देश का पहला राज्य। तो ये खास ध्यान रखना, 12 जून 2019 के दिन राज उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया। दूसरा, राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई? ये तो सबसे ज्यादा खासियत है। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 13 सितंबर, यहाँ पे 2019 है अभी, 13 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई। तो RTI के तहत जनता को सूचना नहीं मांगनी पड़े, मांगते है ना, इसके लिए सिविल सोसाइटी और आईटी विभाग ने डिजिटल पोर्ट जन सूचना पोर्टल बनाया है, जिसका 13 सितंबर 2019 को बिड़ला सभागार जयपुर में राजस्थान इनोवेशन विजन के तहत मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। तो ये आपके लिए खास क्वेश्चन है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जयपुर से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद में क्या हुआ कि 18 दिसंबर 2019 को जब राज्य सरकार ने पूरा अपना 1 साल की वर्षगांठ बनाई तो इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य बना है हमारा राजस्थान। केंद्र सरकार ने राज्य को ई साइन डिजिटल सिग्नेचर टोकन SSL सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी का दर्जा दिया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसे केंद्र सरकार की तरफ से दर्जा मिला है और प्रदेश के आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखो, मैं आपको थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इतना ज्यादा आराम से आप वीडियो नहीं देख सकते, तो क्वेश्चन को पढ़ते रहना बढ़िया तरीके से। अगला देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज ई साइन डाटा सेंटर कब लॉन्च किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज ई साइन डाटा सेंटर कब लॉन्च किया? तो 19 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। 19 अगस्त 2019 को यह दस्तावेजों को प्रमाणित व स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की एक सुविधा है, राज ई साइन। और दोस्तों, अब तक मैंने पुरस्कार, ठीक है, अवार्ड का, खेल परिदृश्य, योजना, बजट और आर्थिक समीक्षा, कृषि 2021 जो 2021 के जनवरी फरवरी है उनका, बजट का सब वीडियो बना दिए और एक स्पेशल राजस्थान आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की प्लेलिस्ट में पड़े हैं, नाना क्लासेस पे जाओगे। इसके अलावा भी मुख्य बातें देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कुछ, वो वीडियो सारे देख लेना। और इन सब की अगर आपको PDF चाहिए तो 100 रुपए चार्ज लगेगा हमारा, और 8094496272 पे आप संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है 100 रुपए, और व्हाट्सएप मैसेज कर देना, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, तुरंत आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। खास है, लेना चाहते हो तो 100 रुपए हमारा चार्जर इसका रहेगा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सहकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 अगस्त 2019 को। ये देखिए, राज्य सहकार पोर्टल 19 अगस्त 2019 को, किसान सेवा पोर्टल फरवरी 2019 को,
सहकारी फसल ऋणी पोर्टल 3 जून 2019 को, लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल 16 फरवरी 2019 को, और राज उद्योग मित्र पोर्टल 12 जून 2019 को, और जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को, सारे मैंने एक साथ और लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो या तो आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन दे दिया उसके बारे में सत्य बताओ असत्य बताओ, या सीधा ही आ जाएगा राजस्थान सहकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया, तो ये देखो इतने तो सहकार पोर्टल 19 अगस्त, किसान पोर्टल, सहकारी फसल, लघु सीमांत, इनको बढ़िया तरीके से आप पढ़ के जाना जितना आपका मेट रहे। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ये तो अभी लॉन्च किया है, बहुत ही खास है। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग भी, किसके पास फाइल पहुंच चुकी है, कितना हमारा फाइल का काम हो चुका है, कब तक मिलेगी, इस सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर के लिए लॉन्च की है, तो उसका नाम है राजकाज। क्या है? राजकाज। तो सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से बनाई गई राजकाज सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया, और एक क्लिक पर सरकारी विभागों में फाइल मूवमेंट कैसे हो रही है उसकी जानकारी मिल सकेगी। राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है, राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज, तो किसान मित्र, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। निम्न योजनाओं से संबंधित असत्य बताना है, ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 20 नवंबर 2016 से चली, सही है, और अभी त्रिपुरा के बाद ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान दूसरे नंबर पे है, और टॉप पे जिला जो रहा है पूरे देश का वो राजसमंद रहा है, याद रखना। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को, ये भी सही है। राजस्थान जन आधार योजना 1 जनवरी 2019 से, ये गलत है, क्योंकि जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी और 1 अप्रैल 2019 से लागू, 2020 से लागू हो गई थी, आपको पता है बामा साहब। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राज्य स्वास्थ्य बीमा 1 सितंबर 2019 से लागू है, और अभी हाल ही में इसके प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है 30 जनवरी 2021 से, तो इसको ध्यान रखना। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है, ये पूरे भारत में चलना है, लेकिन राजस्थान पहला राज्य है जिसने इसको लॉन्च कर दिया, तो यहां देख सकते हो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है, किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से, 6 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया। इसमें राज्य के 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को रोजगार मुखी शिक्षा की पहल के तहत यह पोर्टल तैयार किया गया है, और लगभग 912 के आस, इससे ज्यादा 925, कहीं 925 यानी 900 के आसपास इसमें जो वेब पोर्टल सुविधा दी जा रही है जितने भी हैं। राज कौशल व राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है, राज कौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर जो पंजीयन की प्रक्रिया है उसको एक तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है, तो इसका नाम है राजबोट। क्या नाम है? राजबोट। देखिए क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा शुरू की गई राजबोट, ये बोट है बोर्डनी सुविधा, रोबोटिक्स पर आधारित एक चैटबोट है जो राजकौशल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर स्वयं ही प्रश्नों को हिंदी में जारी करता है, जिनका उत्तर देते हुए श्रमिक इस सुविधा का लाभ अपने पंजीयन में ले सकते हैं। यानी कोई भी सूचना है जैसे आप भरोगे तो आपको वो सूचना दे देगा, आपको सुविधा वही मिल जाएगी, उत्तर दे देगा भी आपको, जैसे कोई पोर्टल भरते हैं अपने पता नहीं तो इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है, इसमें आप भरोगे तो हिंदी में अपने आप आपको सुना देगा आपको ये भरना है। यह सुविधा का शुभारंभ 23 जून 2020 को हुआ, कब? 23 जून 2020 का राजबोट का शुभारंभ, यानी चैटबोट होगी, जैसे आप पूछोगे वो वही बता देगा और वही आपको भरना है। राजस्थान सरकार आ गया, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा किस पोर्टल को शीघ्र ही राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई है, इस पोर्टल को शीघ्र ही राज्य की फ्लैगशिप योजना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा राज उद्योग मित्र पोर्टल, राज उद्योग मित्र पोर्टल। हाल ही में गठित टास्क फोर्स ने राज उद्योग मित्र पोर्टल के प्रति उद्यमियों के रुझान को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल करने के साथ ही इस सुविधा को बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए भी लागू करने की सिफारिश कर दी है। पहले छोटे उद्योगों के लिए था, अब बड़े उद्योग है उनके लिए भी इनको शुरू कर दिया गया है, तो राज उद्योग मित्र पोर्टल। हाल ही में राजस्थान सरकार ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है,
राजस्थान सरकार ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजकीय। कौन सी राजकीय? तो प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार पैदा करना इसका उद्देश्य है। महिला व वंचित वर्ग को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें, और राजकीय के अलावा सक्षम समर्थ्य योजना भी शुरू की गई। ये शुरू हुई है 3 फरवरी 2021 को। तीन एक साथ योजना, तीनों ही रोजगार पैदा करना, महिला और को प्रशिक्षण देना है। कौन कौन सी राजकीय? सक्षम और सामर्थ्य। हमारा सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास भाई सुबह फिक्स आती है। जो विद्यार्थी लगातार देख रहा है वो सक्षम समर्थ्य राजकीय कोई भी योजना उसे अछूता नहीं। देखो आप अभी आपका एग्जाम है 4 अप्रैल को, और हो सकता है आप पहले मुझसे नहीं जुड़े हो, अब धीरे धीरे जुड़ रहे हो, लेकिन आप लगभग सारे टीचर्स की श्रेणी में हो, सारे फर्स्ट ग्रेड है, या कोई भी बहुत ही 10% है कोई सीधा तैयारी कर रहा है, बाकी 90% सब टीचर्स की लाइन में है, फिलहाल जॉब में है या किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रकार आप जुड़े हुए वे स्टूडेंट हैं, उन्हें जरूर इस चैनल के बारे में बताइए कि सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। क्योंकि जिस प्रकार आप पढ़ रहे हो, आपको कितनी करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप इधर उधर सब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो कि हमें कवर हो जाए, तो आप आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, भाई बहन है, जितने भी, उन्हें जरूर कहें, ताकि देखो पढ़े न पढ़े वो जॉब लगे, वो 15 मिनट अगर वो क्लास देखता रहेगा। एक तो सुबह 7 बजे क्लास में हम जो भी जिले वगैरह किसकी बात होती है तो पूरी डिटेल बताते हैं, ठीक है, करंट उनका क्लियर होगा, साथ में राजस्थान स्टैटिक जीके तैयार होगा। 15 मिनट रोज उसका नियम बन जाएगा, तो जब भी वो पटवार है, आरएएस है, फर्स्ट ग्रेड कोई एग्जाम देगा तो उसे करंट अफेयर में दिक्कत नहीं आएगी, न उसे बार बार कोई दूसरी पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, खुद के नोट्स बनाएगा तो उसकी तैयारी हो जाएगी। तो ये काम सारे विद्यार्थी मेरा, आप बुद्धिजीवी हैं जितने भी, सब ये काम जरूर कीजिए। आपने तो अब 4 अप्रैल के पेपर के बाद आपको तो जरूरत शायद नहीं पड़े, किसी को पड़े वो अच्छी बात है, बाकी आप जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें जरूर। तो सही जवाब हो जाएगा राजकीय। अगला देखिए, अब कुछ मैं प्रोजेक्ट है उनके बारे में बताता हूँ। स्माइल प्रोजेक्ट जो राजस्थान में स्माइल प्रोजेक्ट 1 और 2.0 चला था, ये आपको पता है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, फिर अभी भी 5वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया 1 से 5वीं तक, तो स्माइल प्रोजेक्ट के तहत किया है। तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से 13 अप्रैल 2020 से प्रोजेक्ट स्माइल चलाया था। आपको पता होगा प्रोजेक्ट स्माइल, इसमें कितनी गतिविधियां और सब आप जुड़े हुए थे प्रोजेक्ट स्माइल से, तो आप रूबरू हो सारे, इसको ध्यान रखना। शिक्षा वाणी कार्यक्रम भी चलाया गया था, यह भी आपको पता है, और आपके लिए तो ये खास है। 11 मई 2020 से प्रसार भारती ने 25 आकाशवाणी केंद्रों से शिक्षा वाणी कार्यक्रम निःशुल्क प्रसारण किया, और इससे प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं रेडियो पर भी उन्होंने पढ़ाई की थी। यह कार्यक्रम 11 मई से शुरू हुआ था, 21 जून तक चला था, तो एकदम लॉकडाउन का समय था, उस समय चला था। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम भी चला था, 1 जून 2020 से प्रदेश के स्कूली बच्चे दूरदर्शन यानी डीडी राजस्थान से भी पढ़ाई कर रहे हैं। रेडियो की तरह अब टीवी पर भी प्रतिदिन 195 मिनट का शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। अब ये ध्यान रखना, आपके लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सरकार को भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि कॉलेज लेक्चरर का पेपर कौन देंगे, जो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है वही पेपर दे रहे हैं। क्या वास्तविक रूप से उन्होंने ये काम किया कि नहीं किया, ये हुआ था कि नहीं हुआ था, उन्होंने भी ध्यान दिया, तो आपके लिए आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। इसमें देखो 2 घंटे तो 9वीं से 12वीं क्लास और 75 मिनट 1ली से 8वीं के लिए शैक्षणिक प्रसारण हुआ था, और ये सब जानते हो आप, तो इसको याद रखना 1 जून 2020 से शुरू। ई गवर्नेंस व आईटी नीति, ठीक है, तीन हो गए। ई गवर्नेंस व आईटी नीति कब जारी की गई? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सॉरी उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधे, 5 नवंबर 2015 को राजस्थान में नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई थी। स्टार्टअप पॉलिसी, राजस्थान सरकार ने 9 अक्टूबर 2015 को प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी के माध्यम से ऐसे उद्यमी युवाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जिसके पास लीक से हटकर अपना नया बिजनेस प्लान है और वे समय का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, यानी जो अपना काम करे उससे हटकर कोई ऐसा प्लान है जिससे वो समय समय क्या कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। राजस्थान देश का 5वां राज्य है, वह उत्तर भारत का पहला राज्य है जिसने यह पॉलिसी जारी की है। कब? 9 अक्टूबर 2015 को कौन सी स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। ई सखी राज्य की डिजिटल पथ प्रदर्शक, ई सखी राज्य की डिजिटल वेब पथ प्रदर्शक है, क्या चीज है? देखो इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु की
1.5 लाख महिलाओं को, 1.5 लाख महिलाओं को ई सखी कार्यक्रम के द्वारा सरकारी योजनाओं को नागरिकों को डिजिटल माध्यम से पहुंचाने हेतु तो प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी 1.5 लाख महिलाओं को ई सखी कार्यक्रम के तहत क्या होगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं नागरिकों तक डिजिटल रूप में पहुंचे, इसके लिए इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और फिर ये महिलाएं कहाँ जाएगी, नागरिकों को सूचना देगी, डिजिटल माध्यम से सारी बताएगी हमारे राजस्थान में, क्योंकि बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे नेटवर्क की कोई व्यवस्था नहीं है, बॉर्डर एरिया वगैरह है। जैसे हम जिस स्थान पे रह रहे हैं ना, तो मुश्किल से हम वीडियो अपलोड कर पाते हैं और थोड़ा नेट वगैरह चलते हैं। अगर लाइव आना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत ही मुश्किल है, लाइव हम आ ही नहीं सकते, इतना हमारे नेटवर्क में होते हैं। और शाम के टाइम तो बिल्कुल 8-9 बजे। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहां लोगों तक ये डिजिटल माध्यम पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। ठीक है, राजकाज इंटीग्रेटेड यानी राज ई ऑफिस। राजकाज क्या है, राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड, कॉरपोरेशन इत्यादि में समस्त विभागीय रिकॉर्ड ऑनलाइन करते हुए कर्मचारी अधिकारियों के हित में राजकाज योजना शुरू की गई है। यानी जितना भी विभागीय रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन किया जा रहा है इस राजकाज के तहत, ताकि राजकाज बढ़िया तरीके से डिजिटल रूप से हो सके। तो कर्मचारियों के हित में रहते हुए ये राजकाज योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ये भी बहुत खास है, महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि राज्य के सरकारी दुग्ध उत्पादक संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। यह बोनस राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, याद रखना, के तहत दे रही है। यह आदेश 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो रहा है, यानी 1 फरवरी 2019 से 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम स्तर पर कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। इसके तहत जिला कलेक्टर वह ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को आईपी फोन भी वितरित किए गए। तो कौन सी, राज नेट, ताकि ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सुविधा प्रदान की जा सके, उनसे जुड़ सके, इसलिए उन्हें आईपी फोन प्रदान किया गया है। एक योजना बहुत खास है, राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा है, और राजस्थान लगभग सभी ने जन आधार कार्ड भामाशाह की जगह तैयार कर लिया है। इसके बारे में पूरी हमें डिटेल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और खास खास यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के तहत, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के तहत योजना के द्वारा सार्वजनिक कल्याण के लाभ की विभिन्न योजनाओं को एकत्रित करना, ताकि सार्वजनिक कल्याण के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से लगाते हुए पहुंचकर योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ये आपको पता है, यहाँ पे पहली वर्षगांठ बनाई गई थी इस पे किया, और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से होगी। भामाशाह कार्ड की जगह क्या लागू हो गया, राजस्थान जन आधार, ठीक है, जन आधार कार्ड लागू हो गया, उसी की जगह ई मित्रा के माध्यम से इसको निकलवाना शुरू हो गया, और लगभग अब जन आधार कार्ड चलता है, ये आपको पता है। तो इसकी 18 दिसंबर 2019 को लॉन्चिंग हुई थी और पूरे राजस्थान में 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो गया। राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसका उपयोग एकीकृत, ये केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर 181 प्रारंभ किया है। इसको मोबाइल ऐप के रूप में विकसित कर उपयोगकर्ताओं के लिए आसान बनाया गया। कौन सा, राजस्थान संपर्क पोर्टल, और ये अभी कोरोना काल में तो बहुत काम आया था। राज बाट, ठीक है, राज बाट, राज्य सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को बेहतर और प्रभावशाली करने के लिए प्लेटफॉर्म की स्थापना है, तो इस परियोजना की स्थापना की गई। आपको पता होगा, अभी कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने हर एक क्षेत्र से, ग्राम पंचायतों से संवाद किया होगा, याद होगा आपको। इसी के माध्यम से, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोग्राम है, जिसके द्वारा नागरिकों को प्रश्नों का उत्तर चैटबॉट द्वारा हूबहू मानव की तरह लिखकर दिया जाता था। ये चैटबॉट ये, ठीक है, इसमें हूबहू उत्तर मिल जाता था और उसको बढ़िया तरीके से वो प्रयोग कर सकते थे, राजबोट है ये। फिर राजमेघ, राज्य में इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप, पीएसक्यू निगमों और अन्य राज्यों को क्लाउड सेवा प्रदान की जाएगी। प्लेटफॉर्म के साथ साथ वेबसाइट प्रक्रिया भी इसमें शामिल होगी, राजमेघ में। ई राजस्व न्यायालय, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के निवासियों को कृषि भूमि से संबंधित सभी नामांतरण, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित विवादित मामलों की सुनवाई तथा न्याय हेतु राजस्व न्यायालय के वाद दायर करने की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। तो मैंने मुख्य मुख्य आपको सारी बता दी, ठीक है, फिर भी अगर कुछ रह जाती है, जैसे राजधारा पोर्टल,
अपने संभाग, जिले, शहर या गांव का मेयर आदि सहित पूरे राजस्थान को देखने के लिए विकसित किया पोर्टल है। राजदरा पोर्टल अपने संभाग, जिले, शहर या गांव का मेयर आदि पूरे राजस्थान को देखने के लिए विकसित किया गया पोर्टल कौन सा है? राजदरा पोर्टल है। राज ई वॉलेट राजस्थान पोर्टल को राजकीय दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों को डिजिटल स्थापित करने की सुविधा देता है। राज ई वॉलेट। ई धरती कार्यक्रम क्या है? राज्य के समस्त गांव के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यानी समस्त गांव के जो राजस्व मानचित्र है उनको डिजिटलीकरण किया जाएगा। किसके कार्यक्रम के तहत? ई धरती कार्यक्रम। वैसे मैंने स्पेशल आपके लिए योजना का भाई वीडियो बना दिया, ठीक है, वो जरूर देख लेना वीडियो का स्पेशल प्लेलिस्ट में जाके। और अगर टाइम नहीं है तो इसकी पीडीएफ भी है, मैंने आपको बता दिया पुरस्कार योजना कोई पीडीएफ कार्य लेना चाहता है, ठीक है, इस रूप में जैसे वीडियो बनाए उसे स्लाइड रूप में, ये ध्यान रखना प्रिंट नहीं निकल सकता, कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मोबाइल में या लैपटॉप में आप देख सकते हो, तो संपर्क कर सकते हो 8094496272 पे। आपको 100 रुपए पे करने हैं पेटीएम, गूगल पे या फोन पे, और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो मिल जाएगी, इनकी सबकी पीडीएफ, बजट, आर्थिक समीक्षा, जितना भी मैटर है, ठीक है, सारा मिल जाएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप इस पे। भामाशाह वॉलेट राजस्थान सरकार का नया सुरक्षित पेमेंट ऐप है, ये भी ध्यान रखना, ये पिछले साल 2019 के एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा नया सुरक्षित पेमेंट ऐप कौन सा है? भामाशाह वॉलेट। एसएसओ जानते हो इसके बारे में? एसएसओ सिंगल साइन ऑन, ठीक है, सिंगल साइन ऑन, सभी विभागों की सेवाओं हेतु सिंगल साइन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आप कोई भी फॉर्म भरते हो आपका डाटा सारा एसएसओ आईडी पे जाके भरते हो, वही है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों, ई मित्रा संचालकों और निवेशकों के, नागरिकों के लिए सुविधा अलग से उपलब्ध भी करवाई गई। हमारे लिए कोई भी फॉर्म भरते हैं एसओसी के एसएसओ के माध्यम से, फुल फॉर्म आ सकती है सिंगल साइन ऑन। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, ये योजना में मैंने बताया नहीं इसलिए यहां बता रहा हूं। इसके अंतर्गत कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतिहर मजदूरों, हमालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और दुर्घटना में, दुर्घटना के स्थान पर दुर्घटनावश मृत्यु को, अगर मृत्यु हो जाती है तो राशि 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि ध्यान रखना, 2 लाख की वित्तीय सहायता। कौन सी योजना? राजीव गांधी कृषक साथी योजना। किसान कलेवा योजना, ये भी बहुत खास है, ये अभी 2020 का एक एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया, शायद एशियम के एग्जाम में पूछा था। योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 23.93 लाख कृषकों और मजदूरों को अनुमानित दर पर दिसंबर 2019 तक 6.26 करोड़ रुपए की लागत राशि से उपलब्ध करवाई जाएगी। किसान कलेवा योजना, यानी व्यापारी मंडी वगैरह में किसान जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल शुरू की गई है किसान कलेवा योजना, तो इसको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। किसान सेवा पोर्टल, राजस्थान सरकार ने किसान से जुड़ी सेवाओं यथा ऋण आवेदन है, कोई सब्सिडी है आदि को एक मंच से प्रदान करने के लिए एकीकृत किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने राजकोषल पोर्टल का शुभारंभ जून 2020 में किया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषल पोर्टल, राजकोषल पोर्टल किसके लिए? और एक है ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत, ये आपको पता है कोरोना काल के लिए किया गया, जो प्रवासी श्रमिक थे उन्हें काम मिल जाए इसके लिए राजकोषल पोर्टल पर उन्होंने संपर्क किया। इस पोर्टल को सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग आईटी और राजस्थान कौशल व आईजी का विकास निगम, जिसको हम कहते हैं आरएसएलडीसी, द्वारा विकसित किया गया। राजकौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना था, क्योंकि कोरोना काल में ऐसी बहुत स्थिति आई थी, लगभग डिजिटल रूप में आना पड़ा, क्योंकि एक इंसान का दूसरे इंसान से बहुत कम संपर्क था, क्योंकि आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग रखने वाली बात थी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किया? ये तो पता ही है, सभी को पता है, कितने तो आपने करवाए हैं, कितने आपने किए हैं, ठीक है। तो ये आपके इतने क्वेश्चन मैंने दे दिए, जो मुख्य आपको लगे वो पढ़े, इसकी पीडीएफ आप ले और कैसे भी करके आप पढ़ सकते हैं इनको, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिए। जल्दी आपके लिए वीडियो आने वाला है अभी वन रिपोर्ट का और राजस्थान इतिहास का, जो आपकी तीन सभ्यता है निमाहेड़ा और मंडपिया जो है मंडिया और तीसरी बागोर, उनके टॉप 50 क्वेश्चनों का मैं वीडियो जल्द आपके लिए कल तक लेके आ रहा हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना।